वही देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के फुलकरी पंचायत में सोमवार देर शाम 50 बच्चे और वयस्क फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इसके बाद इन सभी को देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर सभी बच्चे और वयस्क का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही कोटा के सांसद निशिकांत दुबे देवघर सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों और बच्चों से बातचीत की। इसके अलावा देवघर के सदर अस्पताल की व्यवस्था का जायजा में मौके पर लिया गया और देवघर डीसी विशाल सागर वहां मौजूद रहे। देवघर सदर अस्पताल में मरीजों का हालचाल लेने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवीपुर प्रखंड का यह मामला है, जहां पर एक ठेले वाले से इन लोगों ने चाट, गोलगप्पे और चाउमीन खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और शवों को देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ सभी की हालत स्थिर है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में उन्हें ले लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। प्रखंड में फुलकरी पंचायत है, वहाँ पे ये केस हुआ है। करीबन इवनिंग में अराउंड 5:30 बजे की घटना है। वहाँ पे रेगुलरली एक चाट वाले आते हैं, ठेले वाले, उधर ही बच्चों ने सेवन किया, कुछ वयस्कों ने भी सेवन किया इसका। उसके बाद में फूड पॉइजनिंग का मामला है। यहाँ पे सदर अस्पताल में सभी को रश किया गया, टीम यहाँ पे पहले से मौजूद थी, सिविल सर्जन साहब ने अगुवाई की है और हम लोगों ने सभी पेशेंट्स को स्टेबल कर दिया है। अभी आज रात भर इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो ठेले वाले थे जहाँ पे ये चाट का सेवन किया गया था, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनको भी पूछताछ की जाएगी। कितने बच्चे सर इससे ग्रसित? अराउंड 55 के आसपास यहाँ पे पेशेंट्स हैं, जिसमें कि बच्चे और वयस्क दोनों ही मौजूद हैं। इन लोगों ने तो अपने मन से ही चाट चाउमीन खाया। अब जो ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले जो बेचते हैं, उनको इन चीज़ों का तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वो जो चीज़ें बेचने के लिए जाते हैं वो कम से कम शुद्ध हो, हाइजीनिक हो। तो एक ही गांव के आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे हैं और बच्चों के साथ जो उनके माँ पिताजी हैं उनको भी समस्या आई। अभी सभी स्टेबल हैं, भगवान का आशीर्वाद है बहुत बड़ा बाबा बैद्यनाथ का कि सारे लोग स्टेबल हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के कैजुअलिटी के लिए देवघर को हमेशा तैयार रहना चाहिए।